अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो हम कंप्यूटर की बुक ओपन करें। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने पेज नंबर 78 ओपन करना है। इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं है। जहाँ तक हम रीडिंग पढ़ के आए हैं, रीडिंग में हमने जो कुछ समझा है उसका ये मतलब एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 1, लेबल कमांड प्रिंट इन द रिकॉल बॉक्स कमांड बॉक्स ड्राइंग एरिया। तो इसको ड्राइंग एरिया पर टिक करेंगे। उसके बाद टू प्रिंट मल्टीपल वर्ड्स वी मस्ट इनक्लोज द सेंटेंस विद। तो हम सेंटेंस को किस में इनक्लोज करते हैं? ब्रैकेट में। तो बी वाले को टिक करें। द पीआर कमांड स्टैंड फॉर। तो आप सबको ये तो फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि पीआर कमांड, पीआर का मतलब होता है प्रिंट। तो प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म पीआर है। तो इसका हम क्या इसको टिक करेंगे? प्राइवेट को टिक करेंगे, प्रिंट को टिक करेंगे या प्रोग्राम को? तो हम इसका प्रिंट को टिक करेंगे। उसके बाद है कि हमारी रीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो रही है। क्लियर टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म सीडी। द क्लियर टेक्स्ट कमांड इरेज ऑल द कमांड टाइप इन दिस इन द कमांड इनपुट बॉक्स। क्लियर इसमें जो है क्लियर टेक्स्ट कमांड में जो सारी जो कमांड्स होती हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो इसमें शामिल होती हैं। टाइप क्लियर टेक्स्ट इन सीटी इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रिंट प्रेस के। ये जो इसके इनपुट बॉक्स के अंदर ये होता है सारा। उसके बाद है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इट्स मीन बाय मतलब स्क्रीन को क्लियर करना, यही होता है कंप्यूटर में। तो इसके शॉर्ट फॉर्म है यस द क्लियर कमांड। द क्लियर स्क्रीन कमांड रेज द ड्राइंग फ्रॉम द ड्राइंग एरिया एंड ब्रिंग द टर्टल इन द होम पोजीशन। के मतलब ये सारी स्क्रीन को जो है बिल्कुल रेज कर देती है, साफ कर देती है एंड टर्टल होम पोजीशन पर ये चल जाती है। टाइप क्लियर स्क्रीन सी एस इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। के आपने इस कमांड के ऊपर इनपुट बॉक्स में जाकर इसको एंटर करना है। उसके बाद इसके 9 ही होने हैं। तो ये सारे वही हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर इसका प्रॉपर वर्ड हो तो हमारा फॉरवर्ड है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं FD। और बैकवर्ड में मतलब इसमें इसकी सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉरवर्ड इज और FD, यानी FD का सिंपल फॉर्म में यूज़ करें। कमांड मूव्स द टर्टल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलती है। बैकवर्ड जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। राइट जो है ये राइट साइड पे और लेफ्ट लेफ्ट साइड पे। सेट हेडिंग्स जो है ये टर्टल नोज लेफ्ट और राइट फॉर होम पोजिशन। होम कमांड ब्रिंग द टर्टल इन होम पोजिशन। पैन रेस कमांड जो है इसमें इनकोरेक्ट लाइंस वगैरह को जो है वो रेस किया जाता है। पैन पेंट ये है इसमें जो है स्टार्टिंग ड्राइंग एरिया वगैरह को जो है वो PPT पेंट किया जाता है। प्रिंट कमांड प्रिंटर कमांड जो है इस कमांड इज रिकॉल इन द बॉक्स, ये किसमें होती है? रिकॉल बॉक्स में होती है। लेबल कमांड जो है इसमें हमने ड्राइंग एरिया वगैरह शामिल होता है। क्लियर टेक्स्ट में ऑल कमांड्स मतलब इसके जो रेज वाले ऑल जो लिस्ट हैं ये सब शामिल होती हैं। क्लियर स्क्रीन कमांड इज यूज टू कि मतलब इसमें हमने ड्राइंग वाली कमांड एरिया को इरेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर नंबर 6 लॉग ऑफ प्रिमिटिव्स की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं, जितने भी इसके जो कमांड्स वगैरह हैं शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म में, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज FD कमांड, तो आपको पता चाहिए कि FD का मतलब जो है वो फॉरवर्ड होता है। तो ये सारा आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।